नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज से सभी बैंक कर्मचारी दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर, नलों में आ रहा दूषित पानी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। आज से सभी बैंक कर्मचारी दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर। आज से 12 सार्वजनिक क्षेत्रों के, 12 पारंपरिक निजी क्षेत्रों के, 6 विदेशी बैंकों के और 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मिलकर लगभग 10 लाख से भी अधिक बैंक कर्मचारी और अधिकारी वर्तमान सरकार के बैंक निजीकरण की गलत नीति के विरोध में दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। इन सभी बैंकों द्वारा लगभग 150 लाख करोड़ से अधिक का व्यवसाय किया जाता है, जो कुल बैंकिंग व्यवसाय के 70% हिस्सा है। यह हड़ताल प्रमुखता से वर्तमान सरकार द्वारा बजट के दौरान IDBI और अन्य दो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण की घोषणा के विरोध में है। इस हड़ताल में महाराष्ट्र के 10,000 से भी अधिक बैंक शाखाओं में कार्यरत 50,000 से भी कई अधिक संख्या में कर्मचारी और अधिकारी सम्मिलित होंगे। इनमें संबंधित बैंकों द्वारा कुल 30 लाख करोड़ से भी अधिक का व्यवसाय किया जाता है। इस हड़ताल का प्रारंभ जिन शाखाओं में समाशोधन का कार्य किया जाता है उन शाखाओं से किया जाएगा। यह सभी शाखाएं आज सुबह 6 बजे से मंगलवार रात 12 बजे तक अपना कामकाज पूर्णतः बंद रखेंगी। इसमें सफाई कर्मचारी से शाखा प्रबंधक तक के सभी पदों पर कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी भाग लेंगे। इन सभी कर्मचारियों की समर्थ सक्रियता के बलबूते पर यह हड़ताल 50% सफल रहेगा, ऐसा विश्वास यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन एवं महाराष्ट्र राज्य इकाई के कौस्वयं प्रकाश तिवारी द्वारा व्यक्त किया गया है। तो वही दूसरी ओर नलों में आ रहा दूषित पानी। नागपुर चापरू नगर सोसाइटी नंबर 3 के नलों में नाली का पानी आ रहा है, जिसके पीने से नागरिक बीमार हो रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि पहले ही यहाँ कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप है, वही अब नाली का पानी पीकर लोग रोगी हो रहे हैं। नागरिकों ने कई बार इसकी शिकायत OCW के अधिकारियों से की है, लेकिन अब तक जांच नहीं की गई है। इस इलाके में जल संकट भी गहरा रहा है। पहले यहाँ 24 घंटे नलों में पानी आता था, लेकिन जब से टेलीफोन एक्सचेंज चौक का 30 इंच वॉल बंद किया गया है, तब इस इलाके में जल संकट हो गया है। यहाँ का पानी मध्य नागपुर को दिया जा रहा है। अब यहाँ सिर्फ 1 घंटा पानी पतली धार से आ रहा है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।